तो 30,000 के बजट के अंदर मैं आपको सबसे बढ़िया 5 से 6 लैपटॉप बताऊंगा, जिनमें से कुछ लैपटॉप इंटेल की लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ मिल जाएंगे हमें, लेटेस्ट जनरेशन वाले, एंड कुछ AMD की लेटेस्ट जनरेशन वाले हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ लैपटॉप ही नहीं बताऊंगा बल्कि कौन सा लैपटॉप किस यूजर के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है वो चीज भी बताऊंगा। देखो हर एक लैपटॉप के कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो उन सभी चीजों के बारे में डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है, और कोई भी लैपटॉप मैंने ऐसा नहीं कवर किया जिसका ब्रांड बढ़िया नहीं है, यानी कि आपको कोई आफ्टर सेल सर्विस के अंदर दिक्कत ना आए इस चीज का मैंने जरूर ख्याल रखा है। लाइक Zebronics, Techno, Wings etc. ऐसे कोई भी कंपनी वाला लैपटॉप हमने बाय नहीं करना। Lenovo V15 G4 लैपटॉप, देखो ये लैपटॉप अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है एंड इसके अंदर हमें AMD का लेटेस्ट प्रोसेसर मिल जाता है। मेरी वीडियो का सबसे सस्ता लैपटॉप ये वाला है, अगर आपका बजट 26,000 रुपए है, एग्जैक्टली बिल्कुल बेसिक बजट आपका, ये लैपटॉप आपके लिए सबसे बड़ी ऑप्शन रहेगा। इसके अंदर हमें प्राइवेसी शटर कैमरा मिल जाता है, AMD का प्रोसेसर दिया गया एथलॉन सिल्वर 7120U 5000 सीरीज का, 2 कोर 2 थ्रेड्स, 8GB की रैम मिल जाती है, DDR5 रैम है। देखो इस बजट के 90% लैपटॉप के अंदर हमें DDR4 रैम मिलती है, बहुत ही कम ऐसे लैपटॉप होते हैं। एक्चुअली एक दो लैपटॉप है जिसके अंदर हमें DDR5 रैम मिल रही है, DDR5 रैम लेटेस्ट है, इट इज नॉट एक्सपेंडेबल इन दिस लैपटॉप, एंड साथ में 512GB की SSD, 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले, AMD की रेडियन ग्राफिक्स मिल जाते हैं 610M, 4 से 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप है, 1 USB Type-C, 2 USB Type-A, HDMI, 3.5mm जैक, एंड साथ में ईथरनेट पोर्ट, ये सारी हमें पोर्ट्स मिल जाती है। बढ़िया लैपटॉप है, अगर आपका बेसिक बजट है दिस इज ए लैपटॉप फॉर यू गाइस। नेक्स्ट इज HP 14S लैपटॉप। देखो ये लैपटॉप इस बजट का वन ऑफ दी हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है, करंटली इसका प्राइस 32,000 रुपए चल रहा है। अगर आपको किसी डिस्काउंट के अंदर ये लैपटॉप 30,000 का मिल जाए फिर भी बढ़िया ऑप्शन है, बट अगर आप इसे सेम प्राइस यानी कि 32,000 में भी ले रहे हो ना, बढ़िया ऑप्शन रहेगा आपके लिए, फिर भी टोटली वर्थ इट लैपटॉप है। बिल्ट इन एलेक्सा की सपोर्ट मिल जाती है, टॉप रेट विद आर वॉइस कमांड, फ्रॉम 0 to 50% इसकी बैटरी 45 मिनट्स के अंदर चार्ज जाती है फास्ट चार्जिंग के थ्रू। i3 का 11th जनरेशन प्रोसेसर है, 111 5G4, 2 कोर 4 थ्रेड्स, 8GB की रैम जो कि एक्सपेंडेबल है, 256GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। देखो जिस भी लैपटॉप के अंदर हमें रैम एंड स्टोरेज ये दोनों चीजें एक्सपेंडेबल मिल जाती है ना, वो लैपटॉप अपना टोटली फ्यूचर प्रूफ बन जाता है। ये लैपटॉप स्टूडेंट्स, स्कूल, कॉलेज, डिजाइनिंग, कोडिंग, ऑफिस वर्क, MS ऑफिस हमें लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा, इन सभी पर्पस के लिए लैपटॉप ये आपका सबसे बड़ी ऑप्शन है। एंड एक और बढ़िया चीज है इसकी, 14 इंच की डिस्प्ले साइज दे रखी है, फुल HD डिस्प्ले है, 250 nits की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC, इंटेल के USD ग्राफिक्स, MS ऑफिस 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया लैपटॉप में, 4 से 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप है। पोर्ट्स को चेक करें तो 2 USB Type-A, 1 USB Type-C, HDMI एंड 3.5mm जैक, ये सारी पोर्ट्स मिल जाती हैं। अगर आपका बजट 30,000 से 32,000 रुपए है दिस इज ए लैपटॉप फॉर यू, इंटेल का सबसे बढ़िया ऑप्शन रहेगा आपके लिए, गो फॉर इट। बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंटेल का बढ़िया ऑप्शन देख लिया, अब Ryzen को चेक करते हैं। Lenovo IdeaPad Slim 3 लैपटॉप, 31,000 रुपीज लैपटॉप का करंट प्राइस है, Ryzen 3 प्रोसेसर दिया गया, लेटेस्ट 7000 सीरीज का, Ryzen की सबसे लेटेस्ट सीरीज चल रही है 7000 सीरीज, वो सेम प्रोसेसर हमें इसके अंदर दिया गया 4 कोर 8 थ्रेड्स के साथ। देखो इसका ना कंपैरिजन आपके सामने है, Ryzen 3 3250U उसके कंपैरिजन में भी इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है, बट Ryzen का जो 5300U प्रोसेसर है ना पुरानी जनरेशन वाला, वो इससे ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस देता है, उसे भी मैं डिस्कस करूंगा वीडियो के अंदर आगे चल के। बट फर्स्ट लेटेस्ट प्रोसेसर है, बढ़िया प्रोसेसर है, LPDDR5 रैम मिल जाते हैं, 5500 MHz वाली लेटेस्ट रैम है, 8GB की, 512GB की Gen 4 SSD जो की ऑल्सो एक्सपेंडेबल है। देखो Gen 4 SSD लेटेस्ट है, इसकी जो रीड एंड राइट की स्पीड है ना वो ज्यादा फास्ट है एज कम्पेयर टू Gen 3 SSD, एंड इस बजट के आपको ज्यादातर लैपटॉप के अंदर Gen 3 SSD मिलेगी, तो यहाँ पे भी इसका प्लस पॉइंट हो गया। अगर आप बिल्कुल बेसिक काम करना चाहते हो बढ़िया लैपटॉप रहेगा, स्कूल एंड कॉलेज के लिए भी बढ़िया ऑप्शन है, डेली रूटीन आप जैसा मर्जी काम कर लो इसके ऊपर, मीडिया कंजम्पशन, ईमेल्स, ये सब कुछ इसके ऊपर हो जाएगा, PPTs वगैरह अगर आपने बनानी है। एंड कुछ एडिशनल फीचर्स है उन्हें चेक करें तो लैपटॉप के अंदर हमें प्राइवेसी शटर कैमरा दिया गया, 3 महीने के लिए गेमिंग पास मिल जाएगा, उसके बाद मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी, इसका मतलब होता है कि लैपटॉप की जो बिल्ड क्वालिटी है ना वो टेस्टेड है, 11-12 टेस्ट करने के बाद ये सर्टिफिकेशन मिलती है जो कि ऑलरेडी इसके ऊपर हो चुकी है, बढ़िया चीज है ये भी। फुल साइज डिस्प्ले 15.6 इंच की फुल HD, 300 nits की ब्राइटनेस, AMD की रेडियन 610M ग्राफिक्स, MS ऑफिस 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया, टाइप सी चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग की भी सपोर्ट दे रखी है, सिर्फ 15 मिनट चार्ज करने पे 2 घंटे तक का रन टाइम मिल जाएगा, 2 USB Type-A, 1 USB Type-C, HDMI, 3.5mm जैक, ये सारी हमें पोर्ट्स मिल जाती हैं। तो ये भी लैपटॉप आप जरूर कंसीडर करो, आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट इज HP का 15S लैपटॉप। देखो ये लैपटॉप ना मल्टीटास्किंग के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहेगा, एंड इसका जो प्राइस है वो 33,000 के आसपास है, Ryzen 3 प्रोसेसर है, 5300U 5000 सीरीज का, 4 कोर 8 थ्रेड्स, एंड कंपैरिजन आपके सामने, ओवरऑल सभी के कंपैरिजन में ना सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस हमें इसके प्रोसेसर के अंदर मिल जाती है, तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन एक्चुअली है ये अपना लैपटॉप। एंड दूसरी बढ़िया चीज है कि रैम एंड स्टोरेज दोनों चीजें एक्सपेंडेबल मिल जाती है, 8GB की रैम DDR4 रैम है, 3200 MHz वाली एक्सपेंडेबल 16GB तक, 512GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, 15.6 इंच की फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, AMD की रेडियन ग्राफिक्स, MS ऑफिस 2019 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया, 41 वाट आवर्स की बैटरी। देखो कंपनी क्लेम करती है कि अपना लैपटॉप चलेगा 9 घंटे तक, बट ऐसा कुछ नहीं है, 4 से 5 घंटे तक का मैक्सिमम आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगा ऑन नॉर्मल यूजेज। बिल्ट इन एलेक्सा की सपोर्ट मिल जाती है, टॉप रेट विद आवर वॉइस कमांड, फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट दे रखी है, 50% बैटरी 4
45 मिनट्स के अंदर यूएसबी टाइप सी, दो यूएसबी टाइप ए, एचडीएमआई एंड 3.5mm जैक, ये सारी हमें पोर्ट्स मिल जाती हैं। अच्छा लैपटॉप, आप इसे जरूर कंसीडर करो। नेक्स्ट इज एसर का एस्पायर लाइट लैपटॉप। देखो ये जो लैपटॉप है ना, इसके अंदर हमें सबसे तगड़ा प्रोसेसर दिया गया अभी तक की वीडियो का, 33,000 rupees इसका करंट प्राइस है। बट फर्स्ट इसका जो i3-1215U प्रोसेसर है ना, ये सबसे कमाल का प्रोसेसर है इस बजट का। 6 कोर 8 थ्रेड्स के साथ हमें ये प्रोसेसर मिल जाएगा। सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है, 12th जनरेशन का प्रोसेसर दिया गया इंटेल का। कंपैरिजन आपके सामने, वीडियो पॉज करो एंड कंपैरिजन चेक कर लो। सबसे कमाल की परफॉर्मेंस हमें इसके अंदर मिल जाती है, नो डाउट। 8GB की रैम एक्सपेंडेबल, 32GB तक, 512GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। तो टोटली फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप बन गया ये वाला भी। एंड एक और काफी बढ़िया चीज है, देखो मेटल की बॉडी दे रखी है। बाकी तो हमें अभी तक पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की बॉडी के लैपटॉप मिल रहे थे, इसके अंदर मेटल की बॉडी मिल रही है। ऑब्वियसली इसकी बिल्ड क्वालिटी ज्यादा बढ़िया होगी। कोडिंग कर सकते हो, ऑफिस के लिए यूज कर सकते हो, वर्किंग प्रोफेशनल स्टूडेंट्स, बढ़िया ऑप्शन रहेगा आपके लिए। एंड इसके अंदर हमें जो हिंज मिल जाती है ना, वो 180 डिग्री की दे रखी है। तो लैपटॉप की डिस्प्ले की कोई लिमिट नहीं है कि यहाँ तक ही पीछे हो सकती है, जितनी मर्जी पीछे करके यूज करो, फ्लैट करके भी यूज कर सकते हो। 15.6 इंचेस की फुल एचडी डिस्प्ले, इंटेल के यूएसडी ग्राफिक्स, 36 वाट आवर्स की बैटरी के साथ ही 45 वाट का अडैप्टर, 4 घंटे तक का बैटरी बैकअप, 3 यूएसबी टाइप ए, 1 यूएसबी टाइप सी एचडीएमआई, 3.5mm जैक एंड साथ में ईथरनेट पोर्ट, ये सारी पोर्ट्स मिल जाती हैं। देखो इसके अंदर हमें एमएस ऑफिस नहीं मिलता, बट इससे अगले वाला जो मैं लैपटॉप आपको बताने वाला हूं, उसके अंदर हमें एमएस ऑफिस दिया गया है, उसी को चेक कर लेते हैं। डेल 14 वोस्त्रो 3420, ये मेरी वीडियो का सबसे तगड़ा लैपटॉप है। सबसे बढ़िया स्पेसिफिकेशन अगर हमें इस बजट के किसी लैपटॉप के अंदर मिल रही है ना, तो इसी के अंदर दे रखी है। इसे बाय करने के लिए हमें अपना बजट थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा, 35,000 rupees इसका करंट प्राइस है। बट बाकी सब कुछ हमें इसके अंदर लेटेस्ट मिल जाता है, टोटली वर्थ इट लैपटॉप है। i3 का 1215U प्रोसेसर सबसे तगड़ा, 8GB की रैम जो कि एक्सपेंडेबल 32GB तक है, वो भी चीज बढ़िया होगी। एंड साथ में 512GB की Gen 3 SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। तो स्पेसिफिकेशन हमें कमाल की दे रखी है इस लैपटॉप के अंदर। 14 इंचेस की फुल एचडी WVNT क्लियर डिस्प्ले मिल जाती है, 250 निट्स की ब्राइटनेस के साथ, इंटेल के यूएसडी ग्राफिक्स, एमएस ऑफिस 2021 दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, अराउंड 3-4 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा हमें, 3 यूएसबी टाइप ए, एचडीएमआई, ईथरनेट एंड साथ में 3.5mm जैक, ये सारी पोर्ट्स मिल जाती है। एक्चुअली ये लैपटॉप ऐसा लैपटॉप है कि बिल्कुल आप इसे आंखें बंद करके बाय कर सकते हो, परफॉर्मेंस के सिनेरियो में आपको कोई दिक्कत नहीं मिलने वाली, इस बजट का सबसे तगड़ा लैपटॉप है। बट एक और चीज यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, इसी लैपटॉप के दो आपको अल्टरनेट ऑप्शंस बताता हूँ, लिनोवो का आइडियापैड स्लिम 3 लैपटॉप एंड एचपी का 15S लैपटॉप। इन तीनों के अंदर किसी चीज का कोई फर्क नहीं है, तीनों के अंदर हमें सेम प्रोसेसर दिया गया 12-15U, सेम रैम मिल जाती है 8GB की, सेम स्टोरेज दे रखी है। बस लिनोवो वाले के अंदर हमें 256GB की SSD दे रखी है, उसकी स्टोरेज अगर कम है फिर वो Gen 4 SSD मिल जाती है, वहीं फिर उसका जनरेशन लेटेस्ट कर दिया कंपनी ने। एंड डिस्प्ले साइज हमें दोनों मिल जाते हैं, 14 इंच के डिस्प्ले साइज में लैपटॉप बाय करना तो डेल वाला अपने लिए बढ़िया निकल के आ जाएगा, 15 इंच में HP एंड लिनोवो। एंड ये तीनों लैपटॉप्स ना इस बजट के वन ऑफ दी हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप्स हैं। आप इन तीनों में से किसी भी लैपटॉप को बाय कर लो, आपको परफॉर्मेंस बिल्कुल सही मिलने वाली है, परफॉर्मेंस की फुल गारंटी है। सभी के बेस्ट बाय लिंक्स आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऐड कर दी है। आपने सिर्फ एक चीज करनी है कि आपने अपना बजट डिसाइड करना है एंड उस बजट के अंदर जो भी लैपटॉप आपको बढ़िया लगे जस्ट गो विद दैट ऑप्शन। मैंने आपको सबसे बेहतरीन ऑप्शंस बता दिए हैं, आप इनमें से किसी को भी बाय कर लो। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज उसे भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। अगर आपने किसी दूसरे बजट के अंदर लैपटॉप बाय करना है, हर एक बजट की वीडियो ऑलरेडी आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।